आज मैं अभी अपने रूम में थी, यहाँ पे आई तो देखा स्मृति और नागर जी कुछ लगे हुए हैं। ये दोनों कुछ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं ये मुझे अभी नहीं पता है। देखती हूँ ये बहुत सारी इन लोगों ने तैयारी कर रखी है। ये कोल्ड ड्रिंक भी इसने कुछ रखी है, हांडी भी तैयार है। कितना मन लगा के, देखिए कितना मन लगा के काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा स्वाद मिलेगा। इसी वजह से मुझे बैंक में भी मन लगा से काम करने की वजह से ही पुरस्कार मिला करते थे, क्योंकि मैं जिस काम में जुट जाता हूँ फिर मैं। और रिटायरमेंट के बाद भी बैंक वाले दोबारा बुला रहे थे। कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ धनिया वनिया निकाला है। पर एक पूरा लेबर का काम मैं करूँगा। ये जो है क्या कहते हैं असिस्टेंट अच्छे हैं, इनके साथ मेरी लड़ाई नहीं हो रही है खाना बनाते समय। वरना मेरी एक्चुअली क्या होता है ना कि डिस्टर्बेंस मुझे रसोई में पसंद नहीं। अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई डिस्टर्ब ना करे, ये डाल दो वो डाल दो, मुझे शांति चाहिए। और पापा जो है मेरा पूरा भरपूर साथ दे रहे हैं, एकदम शांति से जो मैं कह रही हूँ वो कर रहे हैं। और ये स्मृति ने क्या है, हमारे यहाँ MBA किया हुआ है, तो ये सबसे काम इतना अच्छे से करवाती है, बहुत अच्छे से काम करवा लेती है, बहुत तगड़ा मैनेजमेंट है इसका। पर मैनेजमेंट भी लोग जो है वो घबरा जाते हैं या फिर वो ईगो में आ जाता है कि अच्छा हमसे करवाया, पर ये जो है हमारे पिताजी विदाउट ईगो काम कर रहे हैं। अभी सब हम लोगों ने तैयारी कर दी थी, सब स्मृति ने सब बना दिया था। ये देखिए सब तैयारी में हम लोग तैयारी कर रहे थे फाइनल टचिंग की, दम देने की। लेकिन तब तक जो है हम लोग बाहर से जब थोड़ा बाहर गए थे, हम लोग बाहर से जब अंदर आए तो देखा किसी ने ये राइस जो है उसके अंदर डाल के रखे हुए थे। हम लोग शॉकिंग हो गए, अरे ये क्या हुआ। तो फिर हम लोगों ने राइस फिर बाहर निकाले, अब दोबारा तरीके से कर रहे हैं। और ये भी भूल रहे थे करना, क्या चीज, धनिया और ये मैं भूल गई थी पुदीना करना। अच्छा अभी तो मेहनत करके चावल हम लोगों ने बाहर निकाले हांडी में से। ये क्या चीज है, सैफरन। ओ कितना सुंदर रंग आया इसका भी। हाँ कलर डालने की जरूरत ही नहीं अगर ये डाल रहा है। ये भी इसने कुछ डाल प्याज को डीप फ्राई करा है, डीप फ्राई करा है प्याज। करने के लिए नहीं, ये कमला दीदी ने करा है, कमला दीदी ने करा है। ये स्मृति ने बनाया है। पापा कह रहे हैं कि सब्जी तो अच्छी बन गई, खुशबू अच्छी आ रही है, अब पराठे के साथ खा लेते हैं। कमला दीदी से पराठे बनवा लेने चाहिए थे हम लोगों को। अभी हम लोगों ने सील करने के लिए भी आटा बना दिया है। ये कलर कैसे डाला है, ये कलर, ये भी कमला दीदी करके गई है अपने हिसाब से। कमला दीदी कर गई, बहुत सुंदर सा बना गई है इसको भी। कलर कैसे डाला, कुछ करा है उन्होंने, क्या करा है मुझे नहीं मालूम। अब देखो आज, और ये क्या बनाया है, ये रायता है, ये रायता, लहसुन का तड़का लगाया वेज खिलाएंगे, बहुत सुंदर। ये अभी दिखाऊंगी मैं पूरा, जब पिरसूंगी जब सर्व करूंगी तब दिखाऊंगी। वेजिटेबल रायता है और लहसुन का तड़का है, वेजिटेबल रायता। एक टमाटर का टुकड़ा मेरे ख्याल से ये कहीं डालने के लिए है या क्या हुआ है। मैंने आधा बोला था तो आधा ही काटा। ठीक है, मैं आलू डालना भूल गई। कोई बात नहीं। लेकिन इसका रंग बहुत अच्छा आ रहा है। दादी भी झांकते हुए आई है और दादी ये सब कुछ नहीं खाएंगी। दादी हमारे यहाँ ये सुबह की रोटी रखी है, ये दादी। और हाँ नहीं, उनका मन होगा तो खा लेंगे, खा लेंगे, खा लेंगे। ये और सब्जी खा लेंगे दादी। ये सब देख रहे हैं हम भी, बड़े अच्छा अच्छा बना रहे हैं सब, तो वही देख रहे हैं। आप खाएंगी हा? आप खा लेंगी, खाएंगे जब खाना बना है तो खाएंगे। वेरी गुड। ये मैंने तैयार कर लिया था पहले और अंदर जो है ऑयलिंग हो गई है इसकी, तो अब मैं पहली लेयर इसकी लगा रही हूँ बढ़िया से बिरयानी की। आज स्मृति कुछ बना रही है तो अभिनीत भी देखने आया है कि क्या चीज बन रही है, उसका भी मन कर जाएगा स्मृति क्या बना रही है। तैयार रहो बहुत जल्द आके, तुमको भी ये सब खाना है, ये सब खाना है। टॉर्चर होगी, टॉर्चर होना है तुम्हें। नहीं, लेकिन बहुत टेस्टी खाना बनाती है स्मृति। इतना खूबसूरत इसका रंग आया है और खुशबू आई है, अब ये खा के हम बताएंगे। दम देंगे थोड़ी, ये सब है। फर्स्ट लेयर आपने डाली है, फर्स्ट लेयर नहीं, मैं सोचूं कि एक साथ ही वो कर दूं।
नागर जी के हाथ कुल बुला रहे हैं काम करने के लिए। नागर जी आ गए, इनके हाथ कुल बुला रहे हैं बहुत तेज। एक लेयर इसकी डालो, चावल लो, राइस लो, इसमें डालो। राइस की भी खुशबू बहुत अच्छी है। ये हम लोग बहुत महंगे राइस लेके आए हैं। नहीं नहीं, इसमें जब बॉईल करते समय जो मैंने आइटम्स डाले ना, उसकी बहुत अच्छी खुशबू है। इसमें लेयर डाल दीजिए। आज देखो क्या बनने वाला है। कुछ आइटम मैं इसे डालता हूं। नहीं नहीं नहीं, इससे जल्दी जल्दी हो जाएगा। हम लोग, हमने कहा ना पापा को करने, तो आज बहुत तेज इनके हाथ कुल बुला रहे हैं काम करने के लिए। इनको मजा आ रही है, मजा आ रहा है। मेरे को इन्हीं सब चीजों में मजा आता है। मेरे को घर में व्हाट्सएप खेलने में और गेम खेलने में आता है मजा, सच्ची बात तो ये है। अब इसके अंदर एक लेयर आपको डाल दीजिए सैफ्रॉन वाली, और इसको जो है ना पैट पैट करिए, पैट 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 करोगे तो फिर वो अंदर वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा अंदर? ये देखो कितना अच्छे से इन लोगों ने पहले सब्जी की लगाई, अब ये चावल लगा दिए। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अभी आपको दो तीन लेयर में काम करना है, छिपाना नहीं है कुछ। चावल बहुत है। ये अब हरी मिर्चा क्या करूँ, मैं ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। स्मिति प्लीज, नहीं खाती। नहीं नहीं स्मिति, साबुत हरी मिर्चा मैं ऐसे डालती हूँ। मैं बिना मिर्च का खाती हूँ, मैं मिर्च नहीं खाती हूँ। थोड़ा सा मैं ये भी डाल देती हूँ। बिना कटा है ना स्मृति, तुम एक्सपेरिमेंट कर रही हो कि सही में कुछ अच्छी चीज बना रही हो? मुझे पता नहीं, बहुत पहले बनाई थी मैंने बिरयानी। ये कितना सुंदर लग रहा है, इसकी फोटो लेंगे लास्ट में। हटो, इसको अभी वैसे ले लीजिए। अब सैफरन डालिए। अब सैफरन पहले इस पे एक एक राइस का वो डालिए। नहीं 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 नहीं, फिर ढक जाएगा ना। सैफरन हल्का सा डालिए बस, थोड़े से ही लच्छे बचा लीजिएगा स्टार्टिंग के लिए। स्टार्टिंग नहीं, एंडिंग के लिए। इसमें तो पापा खत्म कर रहे हैं, उसको सारा डाल देंगे। इसमें हल्का सा कलर भी डाल दूंगा। हाँ, कलर बनाइए। ये वाला डाल दूं क्या? अलग कलर नहीं, दूसरा कलर डालिए, हरा वाला। वैसे तो कलर अवॉइड कर सकते हैं, बट मन कर रहा है डालने का। डालने का मन कर रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने को। नहीं, पानी में डालना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसे ही ये लिक्विड है। लिक्विड है नहीं, लिक्विड तो सब कुछ होता है। खुला नहीं है, रुके, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये लोग। खोलिए। ये कर क्या रहे हो तुम लोग? हम लोग पोक कर रहे हैं। पोक कर रहे हैं हम लोग। ये कर क्या रहे हो इसमें? हो गए पोक। ये एक्चुअली हम लोगों ने आज ही खोला है। नया लाए हो क्या? हाँ। अच्छा, मतलब ये भी हम लोग पहली दफा डालेंगे? हाँ। एक मिनट जाए, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए उसको। नहीं ऐसे ही हो जाएगा। नहीं ऐसे ताकत लगेगी। देखिए लग गई ना, चोट लगी क्या? नहीं नहीं, ये निकालना पड़ेगा। अब नहीं निकालना पड़ेगा, ये भी तो निकालना पड़ेगा ना, पन्नी आएगी। कितना सामान भरा हुआ है कि इसको चीजें नहीं मिल रही है स्मृति को। ये हम लोग अभी उसमें ढूंढ ढूंढ के सामान ला रहा है। एसेंस डाल देते हैं अभी, वैनिला का मिल गया कलर, मिल गया। रेड है, ये कलर है, रेड भी डाल सकते हैं और ग्रीन भी डाल सकते हैं। ये चॉकलेट सिरप है और ये लेमन येलो है, ये दोनों कलर है। और ये ऐसे क्या निकाल दिया आप लोगों ने, गड़बड़ ऐसे ऐसे गोल गोल। ये क्या किया जा रहा है पता नहीं, ये कुछ सुंदर सा बनाया जा रहा है। मुझे लगता है खुला ही नहीं है अभी। है नहीं, निकल रहा है, निकल। ये येलो ही कलर है ये। हाँ, वो ऑरेंज है, ये येलो है। और एक और कलर था आप कह रही थी, ये उसको भी देखिए क्या है। ये रेड है, रेड है। ये खाने वाला ही रहे ना। अरे ये एसेंस तो नहीं है जो आप डाल रहे हो? नहीं, इसने कलर है, इसने कहा है कलर है। हाँ कलर है, खुशबू नहीं है इसमें। और ये स्मृति कुछ कर रही है, ये चोट वोट ना लगाना। सही है, मेरे को दीजिए ये काम, लेबर वाला मैं कर दूंगा। नहीं नहीं, बहुत तगड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। दादी अभी अपनी कुर्सी पे जाके बैठ गई थी, खाना मिलेगा अब, फिर आ गई है पीछे। देखिए नहीं, दादी को लगा खाना मिलेगा, बन चुका है। आज मुझे लग रहा है पापा अपने हिसाब से बनाएंगे, ये कुछ नई बिरयानी बनाएंगे। ये भी तो डालना, वो बाद में डालेंगे, वो बाद में डालेंगे यार, कलर ही नहीं दिखेगा ऐसे तो। जिसको जो समझ में आ रहा है वो डाल रहा है। जरा सा भी ये नींबू भी डाल दो थोड़ा सा, बाद में ये नींबू भी डालो। जरा सा भी टेस्ट ही बना तो ये स्मृति ने बनाया है। और अगर जरा सा भी गड़बड़ बना तो किसने बनाया है? पापा ने। या अब एक लेयर और बनेगी ना, ये लास्ट लेयर है। ठीक, ये सारा डाल दोगे तुम?
अंदर में गोभी नहीं डाली क्या? मैं एक सीक्रेट है, मैं बताऊंगी नहीं, जब सबको सर्व हो जाएगा तब मैं बताऊंगी क्या? लेकिन दिख रहा है इसमें कुछ, लेकिन एक बात सुनो इसमें थी। हाँ। इसमें थोड़ी सी मेरे को पनीर ज्यादा चाहिए होगा, मेरे को सब्जी पनीर सारे नीचे गए, हर जने के दो दो पीस रखे हम लोग और अगर कोई एक्स्ट्रा आ गया तो उसको पनीर नहीं दोगे आप? नहीं, उसको मैं अपना दे दूंगा पनीर। मैं यही बोलने वाली थी, सारे पनीर नीचे गए। हाँ, उसको मैं। अच्छा, यही सीक्रेट था तुम्हारा? तो मैं जब मैं सबसे लास्ट में मेरी प्लेट लगाई जाएगी। हम लोग इतना छीन छीन के काम कर रहे हैं, मतलब हम लोग को बेचैनी हो रही है कि दूसरा ना कर ले, हम करे। अब लाइए इसको, डालते हैं ये जो है हाथ से, ये स्वाद जो आएगा ना, हाथ धो लिए थे बोलो बोलो क्या बोल रहे? दिल की बात बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए, दिल की बात बोलिए, आपने क्या कहना चाह रहे थे आप? ये लीजिए, अब पहले ये भी डाल दीजिए थोड़ा सा। नहीं नहीं, अब ये लास्ट लेयरिंग वो ऊपर लगेगी। हाँ, सारी ऊपर से लगेगी। मेरे को लगता है चावल बच जाएंगे, कल दाल के साथ खा लेंगे। तो बचाते हैं, बचा लेते हैं, ठीक है? थोड़ी सा और डाल दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि ऊपर बिल्कुल वो हो जाए। नहीं होगा, नहीं होगा, थोड़ा सा और डाल दीजिए। वैसे ही अगर अभिनीत और शुभी इसकी वो करती ना पैकिंग, तो ज़्यादा अच्छी कर लेती, जैसे जो सूटकेसों में ये लोग पैकिंग करते हैं कपड़ों वपड़ों की, वो अंदर तक जो है। मैं और अभिनीत, हाँ, हम दोनों इतनी सी जगह भी खाली नहीं छोड़ते, तो इसमें भी तो हाथ से करने, ये गंदगी कर रहे हैं यार, हाथ से मत करिए। अब तो हो ही गया जो कुछ होना था। इसमें तुम्हारा असिस्टेंट ठीक नहीं है, ये बहुत ढीठ किस्म के हैं। आपकी बार से तुम मुझे असिस्टेंट बना लेना। इनको मैं कैमरा पकड़ाऊंगी। हाँ, ग्रीन कलर नहीं है ना इसमें, अब एक कमी हरे कलर की लग रही थी, तो हरे कलर की टॉपिंग करना था, तो अब ममता नागर उर्फ शुभी वो कह रही मैं बनाऊंगी, हम लोग मना कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं क्यों, हर चीज तुम्हारी होना चलेगी, हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। सब अपना अपना उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम भी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये देखो मैंने कितना अच्छा ग्रीन कलर बनाया, तो बेस्ट कलर है। अब देखना, थोड़ा सा डालिएगा बस। अब ये स्मृति, अब ये पूरा तुम्हारा इसी का ही कलर देखना जो आएगा। अरे मेरा इसी वो से स्वाद सैफरन, बस 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 मेरा सैफरन भी जाएगा इसमें भी। हाँ, सब जाएगा। ये आपने हाथ बीच में रख दिया बस ज्यादा मत करिए, मन नहीं जाता। देख अब इसका जो कलर आएगा ना, एक दूसरे को ढक के देख के हटा, और मैंने मसाले वाले हाथ से इनको छुआ है, मुझे हाथ धोना पड़ेगा। थोड़ा सा घी डाल दी हूं मैं इसमें, देखो मैं घर का बना, थोड़ा सा घी डालिएगा, ज्यादा नहीं, पिंगला के डालना है या ऐसे डालना? अरे मेरी हरी मिर्चा तो रह गई अंदर, गई डाली है ना अंदर, नहीं ये भी डाल दूं बस, इससे मिर्ची थोड़ी ना होगी। नहीं मिर्ची नहीं होगी, बस 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 घी बस करिए, थोड़ा तो डल जाएगा, बस घी बस करिए, टचिंग, फिर उसके बाद दम, और फिर हम लोग रेडी होंगे। नमक डाला है कि नहीं? बाकी सब तो ठीक है, नमक डाला है पर मैंने कम डाला है। बेचारी दादी, शी इज वेटिंग, बहुत जल्दी मिलने वाला है, बहुत जल्दी मिलेगा, जल्दी जल्दी मिलेगा दादी, जल्दी। ये अब सील होने जा रहा है, इसका कलर कमला दीदी ने एकदम स्मृति की ड्रेस के रंग से मिलाते हुए बनाया है ना, जो ये पहने हुए हैं। ने ड्रेस भी वही पहनी है ग्रीन कलर, और जो इसने नेल पेंट लगाया है, दिखा स्मृति नेल पेंट दिखाओ, ये भी ग्रीन कलर, ये अंदाजे से मैंने ड्रेस पहनी है, पर ये कितना मजबूत बना था। ये आप बहुत सारा मत डालिए, नहीं तो यही आएगा। अब इसको सील करिए, ऐसे पहले कर दूं मैं? पूछ लीजिए, पहले पूछ लीजिए, इसमें से कर दूं? गुड, ये हाथ मत लाइए बीच में, आप लोग कह रहे थे ज्यादा है, नहीं हम लोगों ने नहीं कहा ज्यादा, इसको सभी लगा दीजिएगा, क्योंकि ये बचेगा तो किसी काम का नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात, दो तीन चीजें टूटेंगी भी इसमें। देखो आपके हिसाब से दम तैयार हो गया, मैं देखता हूँ। नहीं दम अब मतलब दम तैयार नहीं, मतलब दम के लिए तैयार हो गई है आंटी। हाँ। भड़ाक तो नहीं भूलेगी गैस पे रखते, ये पापा जाने, एक चीज कर सकते तवे के ऊपर रख के करें। हाँ 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 हाँ, फूटेगा तो तवे पे ही फूटेगा। अन्नपूर्णा माता की जय।
जय गणेश, जय गणेश। साथिया बनाऊं? नहीं। अब ये जो मटका है वो कितना मजबूत बनाया है हमारे केदार भैया ने, केदार भैया ने बनाया है ये, तो अब ये पता चलेगा। वैसे कितने बजे रखी है ये तो दिखाइए। 9:30 पे। 15 मिनट बाद। ठीक है। 9:30 है। 9:45 पे हम लोग खाना खाने जाएंगे। 9:45 पे तो इसको बंद करेंगे। फिर जब हम खाना खाएंगे, और इसको सिम पे मैंने इसलिए रखवाया है कि अगर ये बड़ा भले बच जाता है, मान लो टूट जाती है, बिखर जाता है, तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बिरयानी के साथ पापड़ खाएंगे। बिरयानी के साथ पापड़ खाने का प्रयास करेंगे हम लोग। बाजार से तो पापड़ नहीं आता बिरयानी के साथ, रायता ही आता है, लेकिन हम लोग एक नया इनोवेशन करते हैं, हो सकता है अच्छा लग जाए। आपका ऐसा तो नहीं लग रहा आप तहरी खा रहे हो? नहीं नहीं, देखिए इतना बढ़िया सेका है, इतना बढ़िया तो कोई अपने हाथ से सुगर ग्रहणी भी नहीं सेक पाती। हाँ। इसमें देखिए कालापन कहीं नहीं आ रहा है। गुड गुड गुड, ये कला है। कला है। क्यों कर रहे हैं साहब? दिया भी जला दीजिए। इतनी सजाई क्यों गई है इसको? पता नहीं कुछ क्रिएटिव करना है। क्यों करा आपने? आपके मन में क्या आया? अंदर से मन में ये आया कि एक सुंदर चीज लगेगी ये डिजाइन, एक लगा। मैं बताऊं आपको क्या हुआ, ये चीज वेस्ट ना हो इसलिए आपने ऐसे तो मैंने किया, लेकिन अब उसको वेस्ट केयर को भी हम उठा के वहां रख देते तो गैलरी खा लेती, कोई चीज करती, कोई चीज जाती, लेकिन हमने कहा चलो ये है, ये बन जाएगा उसके बाद। नहीं, वैसे भी मैं ये जो ये निकलेगा ना, ये मैं गैलरी को ही खिलाऊंगी। मेरी फोटो आने दीजिए, फिर ये सब करिएगा। ये लगा दो ना, इसमें क्या है, इसमें दिक्कत क्या है? इसका दिया बना दीजिए ना, बहुत अच्छा दिया, धूप में सूखता है। पहले पता है इन सब चीजों के हम लोग वो बनाते थे, गणेश जी छिपकली, छिपकली बनाइए, फिर छिपकली सुखाएंगे। ये लगा दो स्टेटस है, ये मैं स्टेटस लगाने जा रही हूँ अपना। क्या हुआ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है कि हो गया। बहुत ध्यान से इस पे उठा के रख दीजिए। अब खाना बटेगा, एकदम प्रोफेशनल टाइप के लग रहे हैं आप। ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, पूरा एकदम बाहर वाला रेस्टोरेंट वाला, रेस्टोरेंट वाली स्टाइल देने की कोशिश। कामयाब रही आपकी। जय हो। वेरी गुड वेरी गुड। यम्मी यम्मी रायता बनाया स्मिति ने। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया रायते में भी। कलर देखिए अच्छा है, सुंदर। ये भी जम गया है, हल्का हल्का जम गया। वाह, जल्दी जल्दी लाइए, भूख लग रही है। हाँ, रंग बहुत अच्छा है, खिल के आया है। खिल के आया है, देखें। हाँ, ये है आज की वेज बिरयानी और मिक्स वेज लहसुनी रायता। पापा अब टेस्ट करके बताइएगा। अपना हम लोग का पहली बार बनाया हुआ हांडी बिरयानी, अब इसका टेस्ट पता चलेगा कि कैसा है। अच्छा होना चाहिए, पहली बार का एक्सपीरियंस है। हाँ बताइए। दरवाजे खोलो। ये बढ़िया बना है, खूब सब चीजें ठीक थी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए रायता कैसा है? बढ़िया। मेरे पापड़ के ऊपर धनिया किसने लगाया है? क्यों? ये सुंदरता बढ़ाने के लिए। और आज की प्लेट में है वेज बिरयानी, मिक्स वेज रायता, चटनी, पापड़ और मेरा फेवरेट पेड़ा, लखनऊ का स्पेशल
यहाँ पे बनता है, पापड़ ले लिए, मेरा फेवरेट है ये। हाँ बताइए। टेस्टी है। अब पापा ने इतना काम करा, इनका मुंह लाल हो गया। देखिए इसके अंदर से ये भी निकला जो आपने पूरा डाला था। खा जाइए। नहीं 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 नहीं, ये ज्यादा स्वाद लगा। दादी आपने जो त्याग किया है आज, उसको पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा। नहीं, भी याद रखेंगे, सब लोग रखेंगे, पूरा वर्ल्ड याद रखेगा। आपने नवरात्र में बिरयानी खाई और आपने कहा कि नहीं बनाओ मैं खा लूंगी। हम लोग पहले सोच रहे थे कि खाएंगे कि नहीं खाएगी, दादी है बनाए नवरात्र के बाद बनाए, लेकिन दादी ने कहा कि ऊपर वाले की मर्जी है, वो खिलाना चाहता है तो खिला दो। मन अच्छा रहेगा, भगवान भी खुश रहेंगे। मैं फिर से यही वाली बात बोलूंगी, खाना पीना भगवान ने बनाया है, ये सब चीजें खाने पीने की खाइए, आराम से मजे करिए, बस अच्छा मन रखिए, सब कुछ अच्छा है। पूजा पाठ, आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो वही पूजा पाठ है। आप दूसरों का सोच रहे हो, हेल्प कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यही पूजा पाठ है, भगवान भी यही चाहते हैं। और ये हमारी सोच है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है, ये हमारी सोच है। मेरे को सबर नहीं हो रहा था, मैंने खाना शुरू कर दिया है। क्या अच्छा लगा ज्यादा? रायता तो मेरे को वैसे भी अच्छा लगता है, बिरयानी वैसे मेरे को कम पसंद है, लेकिन ये वास्तव में अच्छी बनी है। जैसी तुमने एक बार यहाँ बिरयानी कहाँ से मंगवाई थी? अच्छा ये बताइए कि रायता जो है थोड़ा डिफरेंट लग रहा है कि नहीं? डिफरेंट लग रहा है, इसमें मेरे को लहसुन का टेस्ट आ रहा है। डाला है हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि ये बिरयानी जो है वो लहसुनी रायते के साथ खाते हैं, तो मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करना था। हाँ, तो मैंने उसमें कर दिया, तो वो मेरे को लहसुन का टेस्ट आया रायते में, मैंने लहसुन वाला रायता खाया नहीं कभी। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ दादी को लगता है कि बैठ के खा क्यों नहीं रही है, सब लोग ने खाना स्टार्ट कर दिया। चलिए आज का जो मैं वीडियो है यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, दूसरों की तरक्की से खुश होइए तो भगवान आपसे खुश रहेगा। और बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं पता चलता है, बट आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक करिए। इस टाइम पे मैं भी बहुत हिम्मत करके ये वीडियोस बना रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत मेहनत लगती है करने में, और मैं अपना भी थोड़ा मन लगाने के लिए ये सब चीज़ें कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। अब मैं खाना स्टार्ट कर दूँ, मेरा ऐसे ही रखा है। अब मैं भी फटाफट खा रही हूँ, कैसा बना है? अच्छा ही बना होगा, अच्छे मन से कोई भी चीज़ बनाओ तो अच्छी बनती है, मुझे ऐसा लगता है ना। मेरे और पापा की प्लेट से तो आधे से ज़्यादा खाना खत्म हो चुका है। आप अच्छे मन से मुस्कुराते हुए बनाएंगे कोई भी चीज़ तो निश्चय ही वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। आपके सारे मन अच्छा तो सब अच्छा, मन खराब तो सब कुछ खराब, यही मानता है हमारी। रात में बज रहे हैं 12:30 और व्लॉग को वैसे एंड कर दिया था, पर अब क्या हो रहा है कि मच्छरों ने हम लोग का कर दिया जीना मुश्किल। रैकेट से मच्छर मार मार के हम लोग हो गए तंग, तब भी मच्छर पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। पंखा तेज पे चला दिया है जिससे कि मच्छर जो भी हमारे ऊपर घूम रहे हों वो गायब हो जाए। अरे हाय, ये कैसे खुली, कितनी प्यारी सी है, नई मच्छरदानी है। मेरे पैरों पे मारा, मेरे वूंड को बचाते हुए काम करिएगा। हम लोग जो हैं रात के 12:30 मच्छरदानी लगा रहे हैं जिससे कि मच्छरों से बच सकें, बहुत गंदे वाले मच्छर हो रहे हैं और इतने दिन से हम लोग रात में सो भी नहीं पा रहे हैं। अरे वाह, हम लोग घर के अंदर आ गए। देखिए मच्छरदानी तैयार हो गई, ये और इसके अंदर मच्छरदानी में, अरे वाह ये देखिए जिप वाला है ये। हाँ, ये घर टाइप का है। अगर इसके अंदर मच्छर आ गए तब हम लोग क्या करेंगे? अंदर एक आध आएंगे ज्यादा, उसको हम लोग फिनिश कर सकते हैं। अब देखिए आपने ये गैप बना दिया है इधर से। मैंने कुछ नहीं बनाया, ये आप ही ने बनाया बेटा। सुनिए पहले इसको तो ध्यान रखना पड़ेगा। पहले याद है आप लोग को वो बांधने पड़ती थी रस्सी से? हाँ। ये वाली अच्छी है, जैसे बच्चों के लिए लगती है। हाँ, वो वैसी है, ये टेंट टाइप की है। हाँ, जैसे बनारस बनारस भी है ना, देखो ये वाले अरे हिंदुस्तान में ऐसे होता है। क्या होता है? जिप होता है। जिप
ये जो ये जिप को ऐसे खोलना पड़ेगा आपको, ये लगा हुआ है, इधर से खोलिएगा ऐसे गप पसीना और इधर से निकल के आके फिर अच्छा, बंद। अच्छा मुझे ये पूरा जिप खोल के जाना पड़ेगा बाहर, पहले की तरह यूं इधर को हटा के ऐसे नहीं जा सकते? जिप खोल के चलिए, ये ज्यादा बेटर क्या खोल के जिप क्यों करते हैं आप ऐसा? आपको पता है कि मैं इरिटेट होती हूँ।